नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत को मिल गया नया केएल राहुल। मैदान पे आते ही गेंदबाजों के उड़ा दिए हों। जी हाँ, बहुत ध्यान से आप सभी वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को पता चलने वाला है कि कैसे अब केएल राहुल के जैसा ही भारत में एक और नया खिलाड़ी सामने आ गया है। और ये खिलाड़ी रियल में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। और अच्छी और खास बात जो है वो ये है कि ये केएल राहुल के साथ केएल राहुल की टीम में खेल भी चुका है, वो भी आईपीएल में। तो आखिर कौन सा है वो खिलाड़ी, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप सभी को पता होगा भारतीय टीम के महान बल्लेबाज और ओपनर केएल राहुल इन दिनों बेहद ही शानदार फॉर्म में हैं। और टेस्ट मैच में तो केएल राहुल अब अफ्रीका के खिलाफ उप कप्तानी भी करने वाले हैं, और वनडे और टी20 में भी अब केएल राहुल का उप कप्तान बनना तय है। तो ऐसे में एक बात तो साफ है कि केएल राहुल बहुत ही शानदार फॉर्म में है और वो टीम इंडिया के लिए बहुत कुछ करने वाले भी हैं। लेकिन केएल राहुल के साथ ही खेलने वाले एक खिलाड़ी ने बेहद ही करिश्माई पारी खेली है, और ऐसा लग रहा है कि केएल राहुल की तरह ही ये भी केएल राहुल की सफर पर निकल पड़े हैं। तो कौन है वो खिलाड़ी, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इन दिनों विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है, और विजय ट्रॉफी 2021-22 में तमिलनाडु के बोलिंग ऑलराउंडर शाहरुख खान का बैट आग उगल रहा है। शाहरुख ने कर्नाटक के खिलाफ मंगलवार को खेले गए मैच में तूफानी हाफ सेंचुरी लगाई है। उनकी ये पारी तमिलनाडु के लिए फायदेमंद साबित हुई है। इस मैच में टीम ने कर्नाटक को 151 रनों से हराया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। अगर शाहरुख के अब तक के प्रदर्शन पर नजर डाले तो वो काफी प्रभावी रहे हैं। शाहरुख ने 39 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 79 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 6 छक्के और 7 चौके भी जड़े। इस पारी के दौरान शाहरुख का 202.56 का स्ट्राइक रेट रहा, जो कि लगभग डबल है। हर गेंद पर ये लगभग डबल रन बना रहे थे। इस मुकाबले से पहले मुंबई के खिलाफ 8 दिसंबर को खेले गए मैच में भी शाहरुख का बल्ला गेंदबाजों पर कहर बरसा रहा था। इस मुकाबले में उन्होंने 35 गेंदों का सामना करते हुए 66 रन बनाया था। इस पारी में शाहरुख ने 5 छक्के और 6 चौके लगाए थे। बता दें कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच खेले गए मैच में पहले बैटिंग करते हुए तमिलनाडु ने 354 रन बनाए। इस दौरान नारायण जगदीशन ने शतक लगाया और शाहरुख ने तूफानी पारी खेली। इसके जवाब में कर्नाटक की टीम 203 रनों पर सिमट गई। कर्नाटक के लिए सबसे ज्यादा 43 रन श्रीनिवासन सार्थक ने बनाए। तमिलनाडु के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट आर सिलंबरासन ने झटके, वहीं वाशिंगटन सुंदर को 3 विकेट। इसी जीत के साथ ही तमिलनाडु की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। विजय हजारे ट्रॉफी का पहला और दूसरा सेमीफाइनल मैच 24 दिसंबर को खेला जाएगा। तमिलनाडु के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। इसके बाद 26 दिसंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। तो इस तरह से भारत को अब केएल राहुल की टीम का नया खिलाड़ी शाहरुख खान बहुत ही शानदार फॉर्म कर रहा है और केएल राहुल के ही रास्ते पर निकल पड़ा है। तो क्या आपको लगता है कि शाहरुख खान भी केएल राहुल की तरह बेहद ही शानदार अपने करियर को बनाने वाले हैं? कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।